तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ दोस्तों अमरावती में, ये कैनल है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक इम्पोर्ट डॉग है दोस्तों, तो उनके बारे में पूछते हैं और मिला था दोस्तों मैं। तो मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अभी तक दोस्तों आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉग वर्ल्ड, और वहाँ पे भी दोस्तों मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये शानदार क्वालिटी का, सर ये मेल है? ये मेल है सर। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सर अमित बिहुरे है, मैं अमरावती में रहता हूँ। ओके। और मेरा टायर और बैटरी का बिजनेस है। और सर तो ये मेल अपन ने कहाँ से लाए थे? सर ये मेल मैंने देहरादून से लिया, ओम गुप्ता जी के। अच्छा अच्छा, तो इसकी लाइन क्या है सर? सर ये हैंको का सन है और एडिटा इसकी मदर है। तो जो है सर 8 बार V1 रह चुका है और एडिटा जो है SG है। अच्छा, SG2। ओके। तो सर ये इम्पोर्ट है या इसके मदर फादर इम्पोर्ट है? इसके मदर फादर इम्पोर्ट है सर, ये पंजाब वेल्थ इम्पोर्ट। तो वेल्थ इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है सर? वेल्थ इम्पोर्ट मीन्स सर आप जो फीमेल होती है इंडिया की, वो फॉरेन में जाके दूसरे कंट्री में जो मेल है उससे मेट करा के लाते हैं। हाँ, उसका जो बच्चे होते हैं वो इंडिया में होते हैं, उसे वेल्थ इम्पोर्ट कहते हैं। तो सर इसकी एज क्या है अभी? इसकी सर अभी 10 महीने। सिर्फ 10 महीने? हाँ। ओके ओके, 10 महीने के हिसाब से ये काफी बड़ा है दोस्तों ये, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये कम से कम 2 साल का होगा। तो सर इसकी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है ना? नहीं नहीं सर, इसकी तो मीटिंग चालू करूंगा मैं 18 महीने। KCI का रूल है ये? KCI का रूल है। तो सर इसके बारे में कुछ बताओ कि एक इम्पोर्ट डॉग और एक अपने इंडिया का डॉग में क्या फर्क होता है? सर इम्पोर्ट डॉग और इंडिया के डॉग में ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट जो इम्पोर्ट के डॉग होते हैं उनका स्टेपिंग वगैरह। अच्छा। और उनका कलर वगैरह प्रॉपर जर्मन शेपर्ड जिसको हम कहते हैं। ओके, आजकल अपने इंडिया वाले लॉन्ग कोट में सिर्फ क्या है तो डार्क कलर और ब्लैक मास्क के और ज्यादा जा रहे हैं, पर जजेस जो है शो में कभी ब्लैक मास्क नहीं देखते हैं, डार्क कलर नहीं देखते हैं, ना आपके डॉग की बोन साइज देखते हैं कि आप कितना मोटा कर चुके हैं, जजेस चेक करते हैं उसके एनाटॉमी। तो सर एक डॉग शो में क्या देखा जाता है? डॉग शो में सर मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ डॉग की एनाटॉमी, चेस्ट साइज जो है, उसकी चेस्ट कैसी है, एटीट्यूड कैसा है डॉग का, उसके टेस्टिकल कैसे है, सिंगल टेस्टिकल के जो डॉग होते हैं वो शो में नहीं चलते तो ये सब चीजें चेक की जाती है। ओके, उसके बाइट्स चेक किए जाते हैं। क्या आप बाइट दिखा सकते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देख सकते हो दोस्तों ऐसे बाइट चेक किया जाता है, ये एक के ऊपर एक रहना चाहिए। और सर क्या ये कल के डॉग शो में गया था? ये सर कल के डॉग शो में गया था। हाँ? इसे बेस्ट इन शो 7 मिला है। ओके। एंड लेडी हैंडलर का भी कुछ मिला है? हाँ, इसको मेरी बच्ची जो है राइड हैंडलर करके। अच्छा अच्छा, उसको भी बेस्ट चाइल्ड हैंडलर का एक ट्रॉफी मिली। सर आप हमें ये बता दीजिए कि एक ये जो लॉन्ग कोट का डॉग है तो इसको AC में रखना अनिवार्य यानी कि जरूरी है या अपन फैन कूलर में भी रख सकते हैं? नहीं सर, इसको आप कूलर में भी रह सकते हैं। क्योंकि कैसा है सर, इनको अपने इधर के टेम्परेचर की आदत हो जाती है। अच्छा अच्छा, और एक नॉर्मली टेम्परेचर कूलर के हिसाब से भी आप मेंटेन कर सकते हो। हाँ, तो वो टेम्परेचर में ये आराम से रह जाता है। लोग जो बोलते हैं कि AC में रखना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, इसको वर्किंग ज्यादा देने की जरूरत है। अच्छा अच्छा, तो सर आप इसको डाइट में क्या देते हो? मैं सर इसको डाइट में NND का फूड देता हूँ, स्मार्ट हार्ट का फूड देता हूँ, अंडे देता हूँ और हफ्ते में 2 टाइम चिकन देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर इसकी आप वॉकिंग कितने टाइम करते हो? मैं सर इसकी वॉकिंग 2 टाइम करता हूँ। हाँ। सवेरे 3 किलोमीटर ले जाता हूँ। अच्छा। और शाम में 3 किलोमीटर। तो सर ऑफ लीज घुमाते हैं या आप या लीज में घुमाते हो? नहीं सर, इसको मैं लीज में घुमाता हूँ। अच्छा अच्छा, ऑफ लीज घुमाने का कोई इशू नहीं, बट जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके बाइक्स का वगैरह डर लगता है, होने का डर रहता है। अच्छा अच्छा, फिर कैसा है, एखादा स्ट्रीट डॉग इसको काट लिया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, रेबीज वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, वो हिसाब से लीज में जाता है। तो सर अपना ये फर्स्ट ही डॉग है या इसके पहले भी अपने पास डॉग्स थे? मेरे पास सर 4 साल से जर्मन शेपर्ड डॉग ही है। अच्छा, पहले मेरे पास ओसूस का ग्रैंड सन था, चार्लीस का सन था, जो मैंने बैंगलोर से लाया था। उसके बाद मैंने शरद शुक्ला जी से नागपुर से एक कुत्ता लिया था, जर्मन शेपर्ड 6 महीने का, उसका नाम सिम्बा था। और ये मेरा तीसरा और फर्स्ट अमरावती में फर्स्ट वेल्थ इम्पोर्ट डॉग है। ओके ओके, तो सर अपने को शौक कब से है ये डॉग का?
सर शौक तो मुझे बचपन से है हाँ। पर उस समय ना अपने खिसे में पैसे थे हाँ हाँ। ना कमाई का कोई साधन। अच्छा, तो अच्छा। उस समय स्ट्रीट डॉग लाके हाँ। उसको बड़ा करके रखता था। अच्छा, अच्छा। तो उसमें मेरा शौक चालू हुआ, फिर मैं धीरे धीरे जैसा होते गया पॉमुलियन लैब्राडोर। मुझे आखिरी ब्रीड रखना था और मुझे सबसे पहले से पसंद थी जर्मन शेपर्ड। अच्छा। तो आखिरी में वो स्टेज तक आ ही गया। तो सर अपने पास और कौन सी, अपने पास ये मेल हो गया हाँ। तो अपने पास और फीमेल भी है जर्मन शेपर्ड की फीमेल। ओके, तो सर फीमेल दिखाने के पहले आप डॉग शो में वॉकिंग वगैरह कैसे होती है ये दिखा सकते हो आप? हाँ सर, स्पेस कम है फिर अच्छा। भी मैं आपको फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों हम आपको दिखाने की। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये ऐसे चलना चाहिए। यहाँ पे स्पेस काफी कम है इसके कारण, फिर भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों। तो सर अभी हम मिलते हैं फीमेल से, है ना? हाँ सर। तो दोस्तों देख सकते हो ये सर की फीमेल है। तो सर ये क्या एज की है? ये सर अभी हो गई है 18 महीने की। अच्छा अच्छा हाँ। और क्या सर ये भी लॉन्ग कोट ही है? ये भी लॉन्ग कोट फीमेल है। अच्छा अच्छा, मेहरा जी के ब्रीडिंग की फीमेल है ये। हाँ हाँ। और ये आपने कहाँ से लाए थे? ये मैंने सर अंबाला कैंट से लाया था, दिल्ली के आगे से। ओके ओके। अमित शर्मा जी से लिया था। हाँ हाँ। तो ये भी वीथ केसीआई पेपर ही है सर? सर ये भी वीथ केसीआई है। ओके ओके। भी वीथ केसीआई पेपर है। तो सर इसकी अभी तक के कितनी हिट आई होंगी? इसकी सर 3 हिट आ चुकी है अभी तक, मैंने मिस किया है। हाँ हाँ। केसीआई के हिसाब से फीमेल 2 साल की होने के बाद ब्रीडिंग करना चाहिए। ओके, तो एक अच्छी पपीज निकलते हैं। हाँ हाँ। वो हिसाब से मैं इसको 2 साल बाद ही ब्रीड करूंगा। ओके, तो सर मेल के अकॉर्डिंग फीमेल की हाइट थोड़ी कम रहती है ना? कम रहती है। अच्छा अच्छा, वो दिख रहा है दोस्तों आपको वीडियो में, ये फीमेल है एंड ये मेल है। तो मेल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है एंड फीमेल की हाइट थोड़ी कम है। और बताइए सर अपने डॉग्स के बारे में, इसकी अच्छी हैबिट वगैरह? सर इनकी हैबिट ऐसी अच्छी है कि ये ज़्यादा किसी को, ये कभी कोई अननोन पर्सन के आंख पे अटैक नहीं करते हैं। हाँ हाँ। इसको तकलीफ दिया तो ही ये सिर्फ उस पे बार्क करते हैं। हाँ ऐसा हाँ। आज तक तो मेरे डॉग ने किसी को काटा वगैरह नहीं। अच्छा। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो है हाँ। 5 साल की बच्ची मेरी हाँ हाँ। और एक 11 साल की हाँ हाँ। वो इसको कभी कभी घुमाने भी ले जाती है और अच्छा, इनके साथ खेलते हैं हाँ हाँ। तो इन्होंने कभी उनको दांत तक नहीं लगने दिया। अच्छा, इतने फैमिलियर है और बच्चों के प्रति तो इनको बहुत ज्यादा लगाव होता है कि एक दिन कभी नहीं दिखे तो इनको बुरा लगता है कि बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। तो बच्चे एक बार तो भी इनसे मिलने आते हैं। अच्छा अच्छा, रोज रोज। ओके ओके। तो सर इनका फर कोट मेंटेन रखने के लिए दोनों का आप क्या करते हो? मैं सर इनका सवेरे दोनों का 1 से 1.5 घंटा ब्रशिंग करता हूँ सर, कि इनका जो है हेयर स्मूथ रहे। अच्छा अच्छा। आपस में इनके कोई गुत्था ना हो बालों का। हाँ हाँ। तो उससे क्या होता है कि उसमें टिक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए इनको हमेशा क्लीन रखना और ब्रशिंग करना बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ हाँ। और तो सर डाइट दोनों को सेम ही है? डाइट दोनों को सेम है। ओके ओके। एंड तो दोस्तों आप मिल चुके हो सर के दोनों डॉग से, वो जो गया अंदर वो मेल था दोस्तों एंड ये फीमेल है। तो अभी इनको जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं दोस्तों, वो जो मेल था उसको, तो वो अभी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो जो डॉग्स मैंने आपको दिखाया था उनकी अचीवमेंट है दोस्तों, ये इतने सारे देख सकते हो, ये अवार्ड्स वगैरह है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये ट्रॉफी कहाँ पे मिली थी? ये सर मुझे GSD स्पेशलिटी शो में हाँ। नागपुर में 2020 में मिली थी। अच्छा। मेरे पास जो बास नाम का डॉग था उसे SG2 लगा था। अच्छा, अच्छा। लॉन्ग हेयर बेस्ट मेल करके क्लास 2 हाँ। SG2 करके लगा था, उसमें मुझे नागपुर में मिली थी ये ट्रॉफी। एंड सर ये जो दिख रही है ये छोटी ट्रॉफी कल मेरे बेटी को बेस्ट चाइल्ड हैंडलर करके अमरावती डॉग शो में मिली है, जो मैंने आपको बताया हिटलर उसको लेके वो रिंग में दौड़ी थी, तो उस समय उसे बेस्ट चाइल्ड हैंडलर करके ट्रॉफी मिली है। एंड ये जो ट्रॉफी है सर, ये सर उन्होंने मुझे एक सम्मान चित्र दिया था हाँ। कि मैं वो शो का एक हिस्सा था। अच्छा अच्छा। तो उस ओर से मुझे सत्कार किया गया था हाँ। तो ये सम्मान ट्रॉफी। एंड ये वाली, ये ट्रॉफी सर मेरा जो हिटलर देखे आपने हाँ, अभी हाँ, जो प्रेजेंट हाँ, में है अच्छा। उसे बेस्ट रिजर्व पपी करके ब्रीड करके हाँ, मुझे कल शो में ये ट्रॉफी मिली हाँ। और उसके बाद जो बाजू की ट्रॉफी अच्छा, है ये 8 बेस्ट इन शो करके कल लगा।
8 नंबर का बेस्ट डॉग शो में। अच्छा, कल ये ट्रॉफी मुझे मिली। ओके ओके। एंड ये वाली, ये ट्रॉफी सर मुझे नागपुर में मिली थी माइलस्टोन सिटी कैनल क्लब की ओर से, जो 2021 में शो हुआ था। अच्छा अच्छा, उस समय। ओके। एंड ये वाली सर जो बड़ी ट्रॉफी दिख रही है, ये बड़ी ट्रॉफी सर मुझे सेकंड ऑलब्रिट पेट शो में वर्धा में मिली थी। अच्छा, जो मेरे पास सिम्बा नाम का डॉग था वो सेकंड बेस्ट इन शो हुआ था, उस समय मुझे ये मिली थी। तो दोस्तों ये देखो, ये सारी ट्रॉफी यहाँ लगाए हैं सर ने, और एक ट्रॉफी जो है दोस्तों ये देख सकते हो। तो ये कहाँ पे मिली थी ये सर? सर मुझे वर्धा में मिली थी बेस्ट ऑफ ब्रीड करके। ओके ओके। हाँ, और सर आने वाले जो डॉग शो है उनमें भी आप अपने डॉग्स उतारो और ऐसे ही ट्रॉफीज लेके आओ, ये हमारी इच्छा है। और तो अपने डॉग स्टड के लिए भी अवेलेबल होते हैं सर? हाँ सर, मेरा डॉग जो है स्टड के लिए भी अवेलेबल होता है। ओके, ओके। बट वो जब 18 मंथ का हो जाएगा तो उसके बाद स्टड चालू कर दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और स्टड में कैश मीटिंग नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, स्टड लेता हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर क्या और भी डॉग्स लेने का कोई प्लान है आपका? जी सर, मेरा जो प्लान है कि एक इम्पोर्ट डॉग लेने का मेरा सपना है। अच्छा, कि एक बार मैं इम्पोर्ट डॉग खरीदूं, लॉन्ग हेयर जैसा बड़े बड़े ब्रीडरों के पास होता है, और वो खरीद के उसको इंडिया में मैं इंडियन चैंपियन। अच्छा अच्छा, खुद। हाँ खुद, जब तक मैं उस पर मेहनत ना करूं, चैंपियन ना बनाऊं। अच्छा, मेरा सपना सपना ही रहेगा, उसके पीछे मैं कोशिश करता रहूंगा। तो सर किसी को अगर आपके डॉग को एज अ स्टड लगाना है तो क्या आप अपना नंबर बता सकते हो? हाँ सर, मेरा नंबर है 9822224994, अमित बिहुरे के नाम से, अमरावती। ओके सर, आपसे मिलके अच्छा लगा काफी सर। और तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको यहाँ तक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया दोस्तों, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवर। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।